अमित शाह जी को पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि समाजवादी का जो मिलन होता है ये चीनी और पानी की तरह होता है। जो कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उनको आ गई 38 की बारी। जिस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर वो विश्वास प्रकट किया करते थे, उस नरेंद्र मोदी की पोल खुल गई है। वो इंडिया इंडिया चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ की स्थिति में आ गए। सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है और उनको कोई ज्ञान भी नहीं है। उनको सबसे पहले अपने विधायकों से राय ले लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। कल अमित शाह बिहार आए थे और उन्होंने बिहार सरकार के बारे में कहा कि बिहार में तेल और पानी की सरकार चल रही है, उसी पर आरजेडी के द्वारा हमला किया गया और साफ तौर पे इजाज अहमद ने कह दिया कि ये तेल और पानी की सरकार नहीं बल्कि चीनी और पानी की सरकार है और घुल कर रहेगी। वहीं पर जिस तरीके से आज संसद सत्र शुरू हुआ है उसको लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं इजाज अहमद, हम आपको सुनवाते हैं फिर बताते हैं विस्तार से। देखिए, सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है और उनको कोई ज्ञान भी नहीं है। उनको सबसे पहले अपने विधायकों से राय ले लेनी चाहिए। उनके विधायक उनको अध्यक्ष पद पर नहीं रहने देंगे, ये मैं बता देना चाहता हूँ। वो तो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो मौज मारेंगे और जो विधायक चुन करके आए हैं वो चुनाव में जाएंगे। इस तरह की राजनीति करने वाले सम्राट चौधरी जी कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसको कमज़ोर करना चाहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उनको यकीन नहीं है। समय पर चुनाव होगा और सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ये केंद्र के स्तर पर जो चुनाव के लिए बेचैन है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इंडिया और इंडिया वाले कहीं ना कहीं जनता और जनता की आकांक्षा के अनुरूप जो हमारे बीच में आ रहे हैं उनको समर्थन मिल रहा है और समर्थन के कारण उनकी बेचैनी स्पष्ट रूप से दिख रही है। जिस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर वो विश्वास प्रकट किया करते थे, उस नरेंद्र मोदी की पोल खुल गई है और स्पष्ट रूप से जो कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उनको आ गई 38 की बारी। वो इंडिया इंडिया चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ की स्थिति में आ गए। ये बताता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी से लेकर के उनके मंडल अध्यक्ष तक में जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ उससे बेचैनी है और उसी बेचैनी का कहीं ना कहीं परिणाम है कि ये अपनी भाषा को भूल चुके हैं और जनता के जो सोच है उसके खिलाफ जा कर के बात करना शुरू कर दिए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो विशेष सत्र बुलाए हैं, इस विशेष सत्र के माध्यम से वो कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ जनता और जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम करेंगे और स्पष्ट रूप से वो अपनी जो स्थिति कमज़ोर हो रही है उसको जनता के बीच में बताने के लिए और जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चाहे जितना भी भ्रम फैला ले, चाहे जितना भी राजनीतिक रूप से इस विशेष सत्र का इस्तेमाल कर ले, जनता उनको चाहे वो समय पर चुनाव कराए या पहले चुनाव कराएं, जनता उनको सबक सिखाएगी। जनता ने मन बना लिया। सर, आखिरी सवाल रहेगा, अमित शाह आएंगे तो उन्होंने कहा कि बिहार में तेल और पानी की सरकार चल रही है। अमित शाह जी को पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि समाजवादी का जो मिलन होता है ये चीनी और पानी की तरह होता है और इसका मिठास पूरे देश में महसूस किया जा रहा है और बिहार से जो समाजवादियों का संदेश गया है वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के रूप में सामने आया है और जो मोहब्बत की राजनीति को हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको अब आयाम मिल चुका है, आधार मिल चुका है और आने वाले समय में जो परिवर्तन की बयार बह रही है उसको महसूस अमित शाह से लेकर के नरेंद्र मोदी तक कर रहे हैं, इसीलिए वो बेचैनी में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से इजाज अहमद आरजेडी के प्रवक्ता हैं और ये साफ तौर पे एनडीए पर जमकर हमला कर रहे हैं। जिस तरीके से समय से पहले चुनाव होने की बात हो रही है उसको लेकर भी इन्होंने साफ कह दिया कि अगर चुनाव समय से पहले चुनाव हो भी जाता है तो इस बार एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है बिहार से, यानी कि 40 की 40 सीट इंडिया गठबंधन को ही मिलेगी। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।